नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरिओम। हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे, दे दे मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेगा, इस घर में मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए, 3 साल मुझे हो गए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का मिले हुए लाइसेंस। 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। हे गोवर्धन गिरधारी, एक एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। कम से कम अगर वो ना हो तो एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिलवा दे। अच्छा अच्छा, वो ना हो तो कम से कम एक म्यूनसिपालिटी का बस स्टैंड ही दिलवा दे। हैं, इसी तरह कोई भी अच्छी चीज दिलवा दे। 3 साल से मांग रहा, दिया क्या है? खाली रोड और गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊंगा कृष्णा, कैसे जीऊंगा मैं, खुद ही सोचो। हे कृष्ण मुरारी, अगर म्यूनिसिपैलिटी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा, कैसे चुकाऊंगा? हे माखन चोर, कल वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, रंगीला, 1000 रुपए ले गया मुझसे। आज बोलता है वो हपची खत्म हो गए। आप ही रंगीला को बोलो ना कि पागलों की तरह ऐसे पैसे खर्च ना करे। गरीब हूं मैं, सड़क पे आ जाऊंगा मुकंद। हाँ, एक और बात, आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाएं, ये मोटे मोटे पेट हो गए उनके। बोल मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, नहीं सुधरे गई। माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकंद माधव गोविंद। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजाजी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तू सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के, आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम हैं मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्यूनिसिपालिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने सबको पता है, चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्युनिसिपैलिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, है? और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। उसको बोलो कि पूजा पाठ बंद करे, और खाना हो तो नाश्ता तैयार है। आज वो किशन जी से 3-4 शिकायतें ज्यादा कर रहा था। माँ, भैया की पूजा दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। भगवान ही जाने इसकी जिंदगी कहाँ जाके रुकेगी। बस मेरा बिल पास करवा दे, बाकी मैं देख लूंगा।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि ओम हरि ओम। अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, अब भगवान के साथ भी शुरू हो गया। बस बाबूजी, एक बार शुरू हो जाता हूं तो खत्म नहीं होता, बस डूबता ही चला जाता हूं। अच्छा जी, क्या कहा किशन ने, कुछ देगा? अब तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या? कल रात को तुम्हारे बाबूजी को सोते सोते 2 बज गए थे। अरे तो उनको बोलिए ना टाइम से सोने के लिए। हाँ, पर रात भर तुम लोग महफिल सजा के बैठोगे तो कैसे सोएंगे वो। तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ, तुम भी देखो, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत है। स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले आना। वो ठीक है। ए सुनो, वो नए आईवे के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए, चेक मिले? नहीं। अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर 1,00,000 रुपया ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधरचंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपये उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो 1,000 रुपये देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना। बस एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ माँ। हाँ। उबले हुए अंडे दो, मुझे 2 चाहिए। लाती हूँ। नाओ, थके हुए से क्यों लग रहे हो? पिछले 2-3 दिन से सुहास बेटे की नौकरी कर रहा हूँ ना, घूमना फिरना हो रहा है बहुत, इसलिए। हाँ हाँ, भाग दौड़ करो, पैसे छापो, जब तक सही ढंग से कमा रहे हो ठीक है। अरे राव, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुंबई में है जी, मैं उसकी ट्रांसफर यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बिना लाठी के तो वो चल नहीं पाती, अब उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना जी। काका जी कॉफी। हाँ? माँ ने कहा है आके नाश्ता कर लीजिए। नहीं बस, पाई लागू काका जी। हाँ हाँ बेटे, जीते रहे। हाँ। एक दिन मैं भी ऐसी मर्सिडीज खरीदूंगा, आप भी चलाना। अभी आप जीजा जी के लिए काम करते हो, कल मेरे लिए काम करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले मैं तेरे बाबूजी के लिए गाड़ी चलाता था, आज मैं तेरे जीजा जी के लिए चलाता हूँ, कल मैं तेरे लिए चलाऊंगा, क्यों? साल कुत्रिया, चोली के पीछे क्या? बाहू आप कहाँ थे? ये सारे मजदूर कल शाम के 7 बजे तक काम कर रहे थे, हमने उनकी मजदूरी नहीं चुकाई। ए, रोज रोज मजदूरी नहीं दे सकते, उनको बोलो कि हफ्ते के आखिर में ले जाया करें हमसे मजदूरी, समझे? ठीक है। ए भाऊ सुन, आज हफ्ते का आखिरी डे है, समझा क्या? आज शाम तक मजदूरी नहीं पहुंची ना तो सोमवार से काम बंद। ऑक्सीजन खल्लास, मरीज खल्लास, वैसे ही पगार बंद, काम बंद। नहीं नहीं, काम बंद नहीं होना चाहिए। आए काम करो, ये पकड़ो, ये बेच दो और सबकी तनख्वाह दे दो, समझे? 1 हफ्ते तो काम में आएगा ये। हाँ, अगले क्वार्टर तो काम चल जाएगा। ओए ओए, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे है? काम कर रहे। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़, अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना
तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के, बार बार बना के। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। भाऊ, वो भोजनालय वाला गालियां देता है हमको, बोलता है पैसा नहीं देने का तो इधर खाना नहीं खाने का। बोलो अभी क्या करने का? ए, तू टायर खोल डालने का। वैसे भी 2.5 घंटा लगता है भोजनालय जाके वापस आने में। भाऊ, अगर ऐसे ही चलता रहा और 2 हफ्ते लग जाएंगे रोड खत्म होने में। अगर आप सब यही इंतजाम कर दें तो हम यही पका के खा लेंगे। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। अच्छा उपाय। सुनो जी, मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सुना नया कमिश्नर आने वाला है, अगर मैंने अभी से दबाव नहीं डाला तो हमारा चेक पास नहीं होगा। और याद रखना, कम रोड़ी, कम बजरी, कम डांबर, और उसके बाद डांबर को प्यार से सहलाना। जी रंगीला, जाओ अपनी साइकिल लेके आओ। एक बात बताओ रंगीला। हाँ, बोलो ना भाव। इस देश में ना, जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं, लोग उन्हें हार पहना देते हैं। मुझे ताजुब नहीं होता कि इस देश में सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे जैसे मेहनती लोग जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो कंटाल के आखिर में क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं। सही कह रहे हो भाऊ। मैं जब 7वीं कक्षा में था तो कुछ वक्त के लिए नक्सलवादी बन गया था। क्यों? अरे हमारा हाल आप जैसा था भाऊ। मैंने बाप से बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे मांगे, नहीं दिए, तो जाके सीधा नक्सलवादी बन गया। अरे बाप रे। भाऊ, वाट लग गई वाट। क्या हुआ? अरे ब्याज करोड़ी मैंने देख लिया आपको। फटाफट बटन मारो, फटाफट फटाफट। अकेला है वो? नहीं नहीं, उसके साथ गुंडे भी हैं। वो देख। क्यों बेटा, थक गए साइकिल चला के? अरे कबूटे भाई, अरे यहाँ करोड़ी बल जी। अरे वाह, मेरा नाम तुमको अभी तक याद है? भूले नहीं। क्या याददाश्त है साले की, अभी तक नाम याद है। सर जी, कल आप कहाँ रहेंगे? क्यों, उस तरह तू नहीं जाएगा ना? नहीं, मैं आऊंगा ना वहाँ। हाँ, तो क्या खास बात है? खास बात है मैं, अरे खास बात मतलब मुझे आपके देने ना 130,000 रुपए। खबरदार, जो तूने फिर वो सब मुझे याद दिलाया तो शर्म नहीं आती। अच्छे खासे राजघराने का, तेरे बाबू जी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान लिया तूने? तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता बे? आप लोग चलिए यहाँ से। सेठ जी मुजरा कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। हाँ, चलो। क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ते बात करिए ना, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर। अरे मालूम है कॉन्ट्रैक्टर है। एक काम करता हूँ, मैं मुझे जैसे चेक मिलेगा मैं आपके पास आके आपको दे दूंगा। पिछली बार तूने क्या बोला था? 3 दिन में चुका दूंगा। 3 दिन? मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन? मैं 3 दिन नहीं, 3 महीने बोले। 3 दिन? 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले? अरे तू जरा छोटू बेटा, क्या बोला था? 3 दिन बोले थे? 3 महीने बोले थे ना? 3 दिन बोला था ना? 3 महीने बोले थे ना? मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? सेठ जी, हां सेठ जी, इधर आइए। उधर क्या है? इधर आइए, इधर आइए। क्या रे, मेरे तू बोलने को होता नहीं क्या? तेरे को बेवकूफ, क्या पागल है क्या? ये लोग आपको ऐसे पैसे देने वाले हैं नहीं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हाँ बोल बोल बोल। अगले हफ्ते आपकी बेटी की शादी है। अरे तो इसके साथ शादी करवा दूँ पैसे वसूल करने के लिए? सेठ जी बात तो सुनिए, शादी है तो घर का काम तो करना है, मतलब पेंटिंग, रिनोवेशन वगैरह, इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, माल मटेरियल सब उसका। जब काम होगा, पैसे लेने आएगा तो बोल दीजिए जो मैंने उधार दिया था उसमें से काट लो, उतने पैसे वसूल हो जाएंगे। सही बोल रहा है सेठ। पहली बार अकल की बात की है तूने। चल ठीक है, आजा। ए कंगले, ए भूखे नंगे, क्या कर रहा है? अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। ठीक है। फोन उठाओ ना। इसका फोन है? उठाओगे तो पता चलेगा ना। कौन साला इतनी रात को फोन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर सुहास बिचारे। अरे वो जो पुल बांधा था ना हमने नीरा नदी के ऊपर, बस के साथ गिर गया, बहुत सारे लोग डूब के मर गए।
लेकिन पानी के अंदर करंट फैलने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही है। रात्रि खेल के कुछ लोग लौट रहे थे बस में, 85 लोग ठूसे थे उसमें। इसकी माँ का। अभी कितने बाकी है? 65 लोग तो जगह पर ही मर गए, 20 लोगों की किस्मत अच्छी थी। साले घर में बैठ के आराम नहीं कर सकते क्या ये लोग? कुतरीचे एक दिन डांडिया नहीं खेलेंगे तो मर जाएंगे क्या ये लोग? साला बोल देंगे बस के अंदर वजन ज्यादा हो गया था इसलिए पुल टूट गया। एड़ा हो गया क्या तू? क्या ये क्या, बस के अंदर वजन ज्यादा भरने से पुल टूट जाता है क्या कभी? अरे बाकी सब ठीक है लेकिन कम से कम वो पिलर के अंदर तो सीमेंट और लोहा कुछ ना कुछ ज्यादा भरना चाहिए था। अरे मानता हूँ मैंने सीमेंट कम भरा, लोहा कम भरने की क्या जरूरत थी? तेरी जिम्मेदारी थी ना वो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है अभी। चुप करो, चुप। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। और वो पुल बराबर है, इसका सर्टिफिकेट तुमने बना के दिया था ना? हाँ तो अरेस्ट वारंट निकल चुका है तुम तीनों के नाम। वो मैं संभाल लूंगा, उस एसीपी के मुंह में मैंने नोटों का बंडल ठूस दिया है, उसी ने कहा यहाँ छुपने के लिए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वो पुल के उद्घाटन के बाद मंत्री जी अपने घर पहुंचने से पहले ही पुल गिर गया। अच्छा हुआ वो खड़ा था तब नहीं गिरा। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके सर पर तुम इल्जाम डाल सको? वो ड्राइवर है ना तुम्हारा, क्या नाम उसका? विश्वास राव। विश्वास राव भरोसे का आदमी है? भाऊ आपको ऊपर बुला रहे हैं। आता आता। आपने मुझे बुलाया सर? काका आइए आइए आइए। ये देखिए, ऐसे कायरों की तरह पड़े रहना किसी भी बात का उपाय हो सकता है क्या? आप ही बताइए। क्या क्या हुआ क्या? काका ये सच है, पुल टूट गया, बहुत सारे लोग मर गए, इसके लिए जहर खा के आत्महत्या करने वाला था ये। ये अच्छा हुआ सही वक्त पे मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना इसका तो राम नाम सत्य था। हरीश बेटे क्या हुआ? क्या करता काका जी, जेल जाने से तो अच्छा था ना। मेरी इज्जत, बाबू जी की इज्जत, पूरे खानदान की इज्जत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। आपकी कसम खा कर कहता हूं ये बात। काका जी आप हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मैं क्या कर सकता हूँ? आप हमारे लिए ये इल्जाम अपने सर पे ले लीजिए ना काका। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि वो पुल के नीचे बम आपने रखा, बस। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब अपने आदमी हैं। गिरफ्तारी भी होगी तो नाम के लिए, मामला कोर्ट में पहुंचने पे यूं छुड़ा देंगे आपको। और काका फोकट में कुछ नहीं करना है, लाख रुपया मिलेगा आई शपथ, और आपकी बेटी की ट्रांसफर भी फटाफट हो जाएगी, ये राणा ने गारंटी दी है। पूछो। पुलिस ने पूछा मैंने क्यों किया तो मैं क्या? अरे काका अब देखिए, आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि पिछले 30 साल से आप हमारे घर में काम कर रहे हैं, आपने जब तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो हम सब ने आपके मुंह पे थूक दिया। अब कुत्ते की तरह काम करके इतने साल आपको क्या मिला? सिर्फ गालियां ना। अरे आप कब तक बर्दाश्त करते? एक दिन आपका दिमाग फिर गया और आपने बम से जो पुल हमने बनाया था उसे उड़ा दिया हम सबको फंसाने के लिए, बस इतना ही कहना है। वो पूछेंगे मैं बम कहां से लाया तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो आप ऐसा बोल देना वो पहाड़ तोड़ने के लिए सुरंग लगाते हैं ना, वहां से एक बम चुरा लिया है ना। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? काका जी आप हमारे लिए हमारे बाबूजी जैसे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, कुछ नहीं होने दूंगा।
अब आप गाड़ी के पास जाइए काका, और हम पुलिस अगर पूछेगी तो वही कहना जो हमने बोला है। आगे क्या करना होगा? अब बस दो गवाह तैयार करने हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि पुल टूटने से पहले इसे वहां देखा था। मैं बोरा विश्वास जमानत मिल गई। काका जी, उन्होंने आपको मारा क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उन लोगों ने ज्यादा पीटा नहीं। अब मेरी बेटी का ट्रांसफर। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुमसे बड़ा छोटा सा काम हमें नहीं कर सकत? नहीं बेटा, इतना भरोसा है काका जी, आप एक काम करिए, अंदर कमरे में जाके आराम कीजिए। आराम से पंखा चालू करके सो जाना। बार क्या? काकाला दूधाची चाप बज रहे। तुम लोगों को क्या लगता है, ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? तो जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे कहीं भयंकर समस्या है ये। जो लोग हादसे में मरे हैं, उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार, सब लोग जांच पड़ताल के लिए आवाज उठा रहे हैं। उसके लिए अभी हम लोग जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ अभी के लिए ना। तू समझा नहीं है क्या कहना चाहता है? उस महातारे के मुंह से एक शब्द भी निकला ना? अरे वो नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। किसी दूसरे ने उसका मुंह खुलवाया तो? क्या बात कर रहा है, सही बोल रहा हूं मैं? अरे कोर्ट में ढेर सारे बिगड़े हुए वकील हैं, दो चार आड़े टेढ़े सवाल पूछ लिए ना कोर्ट में तो ये बुड्ढा मुंह से हगने लगेगा कोर्ट में। और इसका थोबड़ा अगर किसी ने बाहर देख लिया ना, खोपड़ी उखाड़ के लेके जाएंगे लोग। लोग भड़के हुए इस पे, एक ढेके पे रात पड़ी ना इसके, पोपट की तरह चोंच खुलेगी इसकी। अरे देवा 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 पांडुरंगा, ये गांठ तो खुलने की जगह डबल हो गई। अब हम क्या करें? करना क्या है, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। मतलब उसका मुंह सील दे? हाँ, तुम लोगों को भी कभी कभी राजनीति खेलनी चाहिए जैसे हम नेता लोग खेलते हैं। मतलब? मतलब ये कि राजनीति में जो लोग आज दिख रहे हैं ना, वो कल नहीं दिखते। खून? अगर तुम लोग हाँ करो तो मैं। राव ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई साजिश है, गड़बड़ है। बाबूजी ये सच है, उसने दुगुना पगार मांगा और हमने मना कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं मिला तो नौकरी छोड़ दूंगा। हमने कहा छोड़ दो। हाँ बाबूजी, हम लोग क्यों बेकार में बहस कर रहे हैं जबकि पुलिस ने खुद कहा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इधर की पुलिस तो मुजरा भी करेगी भैया अगर पैसा मिला तो। कौन ना चाहे कैसा ना चाहे, एक दिन तो ये सब खुलेगा भैया। उसने ऐसा क्यों कहा? कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना है। चल ए, सुनो। ये मुसीबत तो पुल गिरने से भी बड़ी हो गई है। अभी बुला लो जी। और सुनो जी, उसकी जरा अच्छी तरह से ले लेना वो तलाशी। हाँ ओके सर। आजकल वो ह्यूमन बॉम्ब इधर उधर घूमते रहते हैं तो यू नो टेंशन है। जा गया। आप लोग अंदर बैठिए।
कहो। पुल को बम से नहीं उड़ाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर के ड्राइवर ने आत्महत्या नहीं की है, उसे फंसाया गया। वो सब जांच के लिए जांच समितियां बनाई गई सरकार द्वारा, जो करना चाहिए वो लोग करेंगे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस बस में लोग मरे हैं उसमें मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। अब परिवार कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। देखो, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन उस हादसे में जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुझे वो भीख नहीं चाहिए। मैं उसके लिए यहां पर नहीं आया हूं। दोषियों को बचाकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं। बेटा, अगर तुम अपना काम जल्दी खत्म करोगे तो तुम्हारे बाबूजी के लिए कुछ पका सकती। बस हो गया 5 मिनट। ला मुझे दे। ना जाने किसके रिश्तेदार के लिए ये महफिल सच रही है। माँ, वो मेरे पति और बड़े भैया को ब्रिज केस में बचाने आए हैं। लेकिन भाई, वो पुल का अगर डिटेल में एग्जामिनेशन हो गया तो हम लोगों को तो लग गए ना। कोई टेंशन नहीं है उसकी। अरे जो भी ऑफिसर आएगा किसकी सुनेगा, अपनी वही लिखेगा जो हम बोलेंगे। अंजलि इधर आ, इधर आ। भाई मेरे साले ऐसे पढ़ाई में कच्ची है, वैसे बहुत पक्की है। ये साल उसका एडमिशन करा रहा था ना बेड में, बीएड टीचर की होती है ना पढ़ाई उसमें। नाम क्या है तुम्हारा? बोलना। सुना नहीं, अभी तो इन्होंने बोला था। ए ए, बर्फ डाल जा, बर्फ डाल जा। अरे मेहमानों के साथ कैसे पेश आते तुझे मालूम नहीं है? जा बर्फ लग जा। रखो उधर, रखो और अंदर जा, जाओ अंदर। हमने बुलाया उसे, उसने अभी तक शराब पीना शुरू नहीं किया है। अपने यार दोस्तों को मौज मस्ती करवाने के लिए घर की औरतों को मत घसीटा करो। अंदर तो बैठ जाओ, नहीं तो दोस्तों के सामने लुड़का दूंगा। बैठ रे बस। ऐसा हो जाए, एक खानदान में एक ही नालायक है साला। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन चोर? मैं चोर नहीं, पागल है क्या? मैं देख रहा था सब कुछ बराबर है कि नहीं घर में। सब बहाने तो मुझे नहीं, बाबूजी को सुनाना। पिछले 3 दिनों से तुम बाबूजी से छुप रहे हो। कौन छुप रहा है? मैं नहीं बिल्कुल छुप रहा। मैं जब भी आता हूँ रात को तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं, और जब सुबह काम पे जाता हूँ तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे या नहीं बाबूजी? अच्छा, मैं चलो मैं आता हूँ। बेचारे बाबूजी ने मुझसे वादा किया था कि इस महीने की पेंशन से मुझे चूड़ीदार खरीद के देंगे। तुमने वो पैसे भी उनसे मांग लिए, बोला एक दिन में वापस लौटा दूंगा। पैसे भी गए और चूड़ीदार भी। तुम चलो बाबूजी के पास। चलो बाबूजी, ये रहा आपका मेंढक जो बारिश के बाद छुप गया था। चश्मा उतार क्यों दिया? लगा के रख, अपने बाबूजी को भी तो देखने दे कैसा लग रहा है। लगा। वाह खूब, ये छाता, ये बस्ता, ये चश्मा, क्या ये सब? सड़क के जोशी की तरह। वो एक तोता और खरीद लो, सड़क पर बैठ जाओ, जितना कमाते उससे ज्यादा कमाओगे। ये बोल के कि तू मुझे 1 घंटे बाद पैसे लौटा देगा, तू पैसे लेकर गया। 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। वो जो म्युनिसिपैलिटी, वो जो चेक है, वो पैसे भी गए। लेकिन आप मुझे निकम्मा मत समझिए। आज नहीं तो कल ये सचिन टिचकुले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनके दिखाएगा, और बाबूजी उसके लिए मैंने सारी चलाकियां सीख ली हैं। तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्शी हैं। पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी। अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर।
टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का कंस्ट्रक्शन, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का ट्रक, ये सारी चीजें घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगह तक नहीं होगी बाबूजी, पता आपको? तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। दो टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे, लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। लेकिन बाबूजी, एक दिन आपको मुझे पे गर्व होगा। निकल यहां से। धोती तो छोड़ दे। अब और क्या? वो एक 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ये भूतनी का नहीं सुधरने वाला।